जैन साथियों, आज हम ये बात करेंगे कि OMR शीट को कैसे फिलअप करना है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, आपने पूरी तैयारी कर लिया है, अगर एक छोटी सी गलती आप करते हैं खासकर परीक्षा हाल के अंदर OMR शीट भरने में, तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जितनी मेहनत आपने अभी तक अपने परीक्षा के लिए किया है, अब की बार टेट पार करने के लिए किया है, अब इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि OMR शीट में कोई भी गलती ना होने पाए। OMR शीट को कैसे फिल करना है, प्रायः क्या क्या लोग गलती करते हैं, क्योंकि मैं आज कचरे शिक्षक भी रहा हूँ और एक अभ्यर्थी भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि 10% से ज़्यादा लोग OMR शीट में गलती करते हैं और परीक्षा के बाद उनकी इतनी बेहतर तैयारी होती है और बाद में वो रोना रोते हैं, सर मेरी OMR जचेगी नहीं, मेरा ये दिक्कत हो गया। आइए आज हम ये बात करेंगे कि OMR शीट में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो जांची जाती हैं, उस OMR शीट के अंदर क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना है या OMR शीट को कैसे भरना है, इन सभी बातों का हम चर्चा करेंगे। अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके काफी महत्वपूर्ण होगा, खासकर परीक्षा के समय। और अपने सभी साथियों को भेज दीजिएगा, यह मत सोचिएगा अरे यार OMR तो भरना भर लेंगे, जी नहीं, उस समय अभी आपके अंदर जो भावना है, जब परीक्षा हाल के अंदर रहेंगे तो ये चीजें बदल जाएंगी, ये चीजें काफी परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखना है आप सभी को। आइए अब हम लोग बात करते हैं OMR शीट को कैसे भरना है, एक डेमो OMR शीट लेते हैं और उसके बाद हम इस सभी बातों पर चर्चा करते हैं। पहली बात, आपके सामने कुछ इस तरह का OMR शीट आएगा, जैसे कि ये लनी बिद्रगेश का एक डेमो OMR शीट है, इसको हम पूरा बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या फिलअप करना है। इसके दो साइड होंगे, साइड एक ये होगा, फिर ये दो साइड में आपका OMR होगा, और उसके बाद ये जो पहली प्रति है आपके सामने साइड वन जो होगा ये कॉपी मूल कॉपी है, इसके बाद एक कार्बन कॉपी भी होगी, जैसे यहाँ पे कैचे का निशान आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैचे का निशान बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ना ये कैचे का निशान, इस तरह इस कार्नर पर कैचे का निशान बना होगा, इस कार्नर पर नहीं, वो इस कार्नर पर बना होगा। आपको परीक्षा समाप्त होने के बाद इसको कैसे अलग करना है, कैसे कार्बन कॉपी निकालना है, सभी बातों को बताएंगे। ज्यादातर लोग OMR शीट पर क्या गलती करते हैं उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले OMR को देखते हैं कैसे फिल करना है। परीक्षा हाल के अंदर जब भी प्रवेश करेंगे आप अपने साथ अपना प्रवेश पत्र लेकर जाएंगे, उसके बाद जो भी चीजें आपके प्रवेश पत्र में दी गई हैं उन सभी का पालन करिएगा, एकदम प्रेशर में मत आइएगा, क्योंकि अगर प्रेशर में रहेंगे तो गलती कर जाएंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। पूरी तैयारी हो गई, आपने पूरे लनी बिद्रगेश के नोट्स पढ़ लिए हैं, क्लास पढ़ लिया है, अब ये अंतिम समय में कोई गलती मत करिएगा। जैसे आपके सामने ये डेमो OMR शीट है, क्योंकि कुछ हुबहू ऐसे ही आपका OMR शीट आता है, ठीक है, तो ये आपका साइड वन हो जाएगा। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे एक तरफ रोल नंबर होगा, एक तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, हो सकता है इधर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर कर दे फिर इधर रोल नंबर कर दे, तो जरूरी नहीं है। अब आपको ध्यान से देखिएगा कि पहले रोल नंबर है या पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे बुकलेट नंबर, बुकलेट नहीं रहेगा, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके दोनों चीजें आपके प्रवेश पत्र पे होगा। कहां पर होगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें ये दोनों चीजें जिक्र होगा। तो आपको भरना कैसे है, सबसे पहले ब्लैक पेन यूज करिएगा, मोटा पेन है और रेनॉल्ड की आती है, 10 रुपए की पेन आती है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रवेश पत्र को अपने सामने रखिएगा, सबसे पहले अंकों में जो भी रोल नंबर होगा, जैसे मान लिया 1 2 3 4 एवरीथिंग जो भी होगा, जैसे मान लिया 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 0 ये आपका हो गया मान लीजिए रोल नंबर। तो सबसे पहले क्या करिए, एक पर बिंदी लगा दीजिए, दो पर बिंदी लगा दीजिए, 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर, ठीक है, ध्यान रहे एक से अधिक गोला ना होने पाए, ये 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया 0 हो गया। अब इसको एक बार मिला लीजिए, जब मिल जाएगा तब इसको यहाँ पे गोला करिएगा, तब यहाँ पे बबल करना शुरू करिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, खासकर इस यूट्यूब चैनल पर लनी बिद्रगेश, फेसबुक पेज या लनी बिद्रगेश ऐप पे, मैं अपना अनुभव यहाँ पे साझा कर रहा हूँ जो आपके काम में आ सकता है, बाकी आपकी मर्जी। ध्यान दीजिएगा, अब इसको गोला करिएगा, पूरी तरह से गोला करिएगा, गोला बाहर न जाने पाए, ठीक है। अब आपको मिला मिला के जब भी करिएगा, क्योंकि जब परीक्षा हार में OMR शीट की जांच होती है, मैंने जब OMR शीट आपकी साइन होती है तो सबसे पहले बबल देखा जाता है, बबल्स गलत ना होने पाए। यहां पर अगर टूटी है तो आप सही कर सकते हैं, लेकिन इस बबल्स में अगर गलती हो गई तो कदापि नहीं, क्योंकि OMR मोड़ना नहीं है, टेढ़ा नहीं करना, व्हाइटनर नहीं लगाना, ब्लेड नहीं लगाना, OMR शीट में कोई गलती मत करिएगा, अन्यथा आपकी OMR शीट नहीं साइन होगी, कॉपी आपकी नहीं साइन होगी, यह बात आप लोग भली भांति जानते रहिएगा। अब इसको पूरी तरह से आप लोग भर लीजिएगा, जैसे जो भी रोल नंबर होगा, अब उसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे हो गया, जैसे 6306344367, जैसे मान लीजिए ये आपका रोल नंबर हो गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, अब इसे पहले 6 पर गोला कर लीजिए, फिर 3 पर, फिर 0 पर, फिर 6 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर,
फिर फोर पर, फिर आपका थ्री, फिर सिक्स, फिर सेवन। अब इनको क्या करिए, एक बार और रीचेक कर लीजिए कि एकदम सबसे क्रम में है, उसके बाद तब इनको क्या करिए, गोला करना शुरू करिएगा। देखिए ध्यान से, वैसे मैं आपको बस डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका समय भी मैं ज्यादा नहीं लूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप पूरे ओएमआर शीट को पूरी तरह से फील कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर कोड जरूरी नहीं है कि पेपर कोड आपका हो। पेपर कोड अगर आपके यहाँ दिया है, जिसे बुकलेट नंबर कहते हैं, इस यहाँ पे बुकलेट नंबर, जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर था यहाँ पर होगा, वो बुकलेट नंबर भी यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद जो क्रम में आएगा उसे आप गोला कर देंगे। ध्यान रहे इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करना। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज की। पहला लैंग्वेज जो होगा, लैंग्वेज फर्स्ट, वो सभी का हिंदी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो आपका क्या होगा, हिंदी होगा। लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, हिंदी है। तो जो हिंदी के बाद जो लैंग्वेज सेकेंड है, वो तीन हो सकता है, संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा। अब ध्यान से देखिएगा आपके ओमान शीट पे क्या, अगर आपने संस्कृत लिया है तो मान लीजिए यहाँ पे संस्कृत है तो यस लिख दीजिएगा, जैसे पूरा लिखने की जगह मत पूरा लिखिएगा, नहीं तो यस लिख के छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश है मान लीजिए तो आपने ई लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, ई लिख दिया। उर्दू है मान लीजिए तो आपने यू लिख दिया। उसके बाद जैसे आपका संस्कृत है तो यहाँ पे यस को क्या करिएगा, बबल कर दीजिए, ठीक है, अभी हो गया। अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज नहीं भरा है तो सेकेंड लैंग्वेज आपका साइन नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है ओएमआर ही ना साइन हो। फिर टेस्ट बुकलेट, चार बुकलेट होगी, ए बी सी डी। जैसे मान लीजिए आपको डी फॉर दुर्गेश मिल गया तो आप यहाँ पे डी भर दीजिए, और यहाँ पे बबल्स जरूर करिएगा, बबल्स न छूटने पाए। ध्यान रहे यहाँ पे डी, यहाँ पे भर दिया। हो सकता है आपको सी मिल जाए, हो सकता है आपको ए मिल जाए, अगर आपको ए मिल गया तो ए भर दीजिए। तो जो भी बुकलेट आपको मिलेगी, हो सकता है आपको बी मिल जाए तो यहाँ पे बी भर दीजिएगा, आपको बी मिल गया तो बी भर दीजिएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप जूनियर दे रहे हैं, जैसे आपने ये तो प्राइमरी हो गया, अगर आप जूनियर दे रहे हैं तो जूनियर में क्या होगा, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जूनियर में भी सेकेंड लैंग्वेज होता है, जैसे सीडीपी जो होगी आपकी 1 से 30, 30 प्रश्न होंगे। फिर आपकी हिंदी जो होगी लैंग्वेज फर्स्ट, वो भी 30 होगी। संस्कृत, उर्दू, चाहे अगर हम लैंग्वेज सेकंड की बात करें, ये भी 30 प्रश्न होंगे। ये हो गया आपके कितने, 90। इसके बाद 91 से लेकर जो 120वां का सवाल, 91 से लेकर जो, सॉरी, 91 से लेकर जो आपका 150 नंबर तक का सवाल होगा, जो आपका 91 से लेकर 150 तक का सवाल होगा, दो तरह से होगा। एक होगा एसएसटी, अगर आपने अगर आर्ट साइड से हैं, चाहे आप बीकॉम कॉमर्स हैं तो आप एसएसटी का चयन करते हैं। अगर आप साइंस का कर रहे हैं तो आपको साइंस और मैथ का सेक्शन हल करना होगा, ये बात आपको पता है। तो ये भी 60 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं, 60 60 प्रश्न होते हैं। आगे मैं इसके बारे में फिर से बता दूंगा। तो मतलब आप जो सेकेंड लैंग्वेज, साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपने एसएसटी का चयन किया है या आपने साइंस या मैथ का। तो जो विज्ञान वर्ग वाले हैं, चाहे बीटेक हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, तो आप साइंस सेक्टर में आते हैं। कॉमर्स है, बीबीए है, और आपने कॉमर्स किया है, या आर्ट से है, आर्ट साइड से है, तो आपको कला वर्ग से है, तो आपको क्या करना होगा, आप एसएसटी हल करेंगे। जो भी 60 प्रश्न होंगे ये आपका हो गया। तो यहां तक हमारो कैसे भरना है, अब बात करते हैं प्रश्न को लेकर। तो यहां पर ये आपका हो गया। उसके बाद यहां पे देखिए 30 30 का 150 प्रश्न होते हैं। यहां पर जैसे पेपर में बहुत सारे लोग को, जैसे मैंने बताया था कि तुक्का मारना है, कुछ लोग कमेंट टिप्पणी कर रहे थे, अरे सर आप क्यों बताते, एक टीचर नहीं है। अब देखिए ऐसे मूर्ख लोगों के चक्कर में आप ना पड़िएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको सीडीपी के 30 प्रश्न में से आपको 28 आ रहे हैं, तो क्या 2 प्रश्न छोड़ देंगे? अगर इसमें नकारात्मक अंक नहीं आते हैं, नकारात्मक प्रश्न नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो छोड़ देंगे? दो को हल करेंगे ना, उसके लिए तुक्का तो लगाना होगा ना, प्रश्न छोड़ना तो है नहीं ना। तो जो छोड़ने वाले मूर्ख हैं उनके चक्कर में आप ना पड़िएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है। तो याद रहे आपको सारे बबल, जैसे यहां पर एक बार में जैसे आपने ए रंग दिया, अब किसी ने कहा कि नहीं यार ये तो गलत है, इसके जगह तीसरा होगा, इसको मत करिएगा, ये जचेगा ही नहीं। हो सकता है यही आपका सही हो जाए आगे चलकर, हो सकता है आपका यही आगे चलकर सही हो जाए, हो सकता है जैसे आपको लग रहा हो। तो ये दोनों पूरे, अगर आपने दो बबल्स कर दिया तो दोनों नहीं साइन होगा, ठीक है। कुछ लोग ब्लेड लगाते हैं, कुछ लोग फाड़ते हैं, जी नहीं, अगर आपने बबल्स कर दिया, अभी मैं बताऊंगा कितना परसेंट से ज्यादा बबल्स होगा तो आपको ओएमआर रीडर रीड कर लेगा। तो ये गलती मत करिएगा, माने एक खाने में दो बबल्स को नहीं करना है, एक ही आपको कलर करना है, ठीक है। अब यहां पे एक एक करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से करिएगा। लैंग्वेज चुनने में कोई दिक्कत हो तो अपने जो कक्ष निरीक्षक है पूछ लीजिएगा, जो भी दिक्कत आए कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी गलती मत करिएगा, कि अगर आपने ओएमआर गलत भर दिया सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। 150 प्रश्न है,
समय रहते ही 150 प्रश्न को कर लीजिएगा। ये मत छोड़िएगा बबल्स लास्ट में करें। कुछ लोग होते क्या है कि पहले पढ़ते चले जाते हैं और सोचते हैं मैं बबल्स लास्ट में करूंगा, गोला में लास्ट में भरूंगा, और पता चला घड़ी समय पूरा हो गया, कॉपी आपकी छिन जाती है और आप हाथ पर हाथ धर रहते रोते हैं, और पूरे साल रोने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आगे अगर भर्ती आ जाएगी तो आप इसके बाहर हो जाएंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा हमारा क्या क्या रीड करता है। फिर अंत में हम यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट का नाम होता है, ये आप पूरा नाम लिखेंगे, नाम वही लिखेंगे जो आपके प्रवेश पत्र पे होगा, सिग्नेचर होगा आपका, जो साइन जो आपने प्रवेश पत्र में किया था, जो फॉर्म भरते समय किया था वो हस्ताक्षर आप करेंगे, साथ ही साथ जो आपके यहाँ कक्ष निरीक्षक होंगे उनका सिग्नेचर जैसे होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी कर रहा हूँ तो मान लीजिए मेरी सिग्नेचर हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हस्ताक्षर हो गया, तो इस तरह यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, जैसे आपका भी नाम है, जैसे मान लीजिए यहाँ सौरभ है तो सौरभ ने साइन कर दिया, ये सौरभ हो गया, इस तरह से आपने क्या क्या हस्ताक्षर हो गया, तो ये आप दो चीजें जान लिए। अब यहाँ पर टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने 150 अटेम्प्ट किया तो 150 आपने लिख दिया, ठीक है, किसी ने 145 अटेम्प्ट किया, तो एक काम करिएगा कि आप पूरे प्रश्न करिएगा, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, यहाँ पर 150 पूरे करिएगा। कभी कभी होता क्या है कि गलती से कि आपने 150 तो लिख दिया, पता चला दो बबल्स आपने छोड़ दिया, मतलब आपने 148 अटेम्प्ट किया है, लिख दिया 150, घबराने लगते हैं, कुछ यूट्यूबर आएंगे, यूट्यूबर कहेंगे अगर आपने नहीं भरा तो हमार नहीं जचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 150 लिख दिया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो स्कैन होता है, जो चीजें आपकी स्कैन होगी वो क्या क्या होंगी मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा जो बबल्स होते हैं यही आपके स्कैन होते हैं, क्या होते हैं, जो बबल जो गोला करते हैं, और फाड़ना कहां से है, यहां पे कैची का निशान बना होता है, जिस कार्नर पर कैची का निशान बना होगा उसी कार्नर से फाड़ना है, तीन प्रति में होगा या दो प्रति में होगा, एक कार्बन कॉपी होगी, ओरिजिनल कॉपी होगी, एक आपकी जो कोषागार के लिए रखी जाती है वो प्रति होगी, तीन प्रति होगी या दो प्रति होगी, तो उसमें जो प्रति कैंडिडेट कॉपी उस पे लिखा होगा, कैंडिडेट कॉपी, तो कैंडिडेट कॉपी आप लेंगे, ओरिजिनल ओएमआर जमा होगी, अगर एक ओएमआर और होगी कोषागार के लिए वो भी आपकी जमा हो जाएगी, तीन प्रति में होगा अगर तो, और दो प्रति में है तो एक ओरिजिनल जमा कर लेंगे, एक प्रति आपके पास हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो अभी कमेंट करिएगा, हम आपको सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने नोट्स पढ़ लिया है तो आपके लिए उससे बात कुछ नहीं। अब और देखते हैं कैसे बबल को रीड करता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जांपल के तौर बताया, अगर कोई बबल छूट गया है कम भरा तो इसे मत कहिएगा इनको खुद ही बबल भरने नहीं आता, ऐसा नहीं है, मैंने आपको केवल एग्जांपल के लिए सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया। अब देखिए जैसे बबल्स को ये सेकंड साइड में जो होता है कैसे कैसे भरना है, तो आपको काला पेन का इस्तेमाल करना, आपको पता है ना ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना, सभी लोग को याद रखिएगा ब्लैक पेन, बाल पॉइंट पेन होगा, ठीक है, जेल पेन मत यूज करिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा गोला भरना इस तरह से, ऐसा नहीं आधा भरेंगे ये भी गलत है, स्टिक लगा देंगे तब भी गलत है, कार्नर भरेंगे तब भी गलत है, तो ये प्रक्रिया गलत है गोला भरने का, जो भरने का तरीका सही है वो ऐसे होगा, जैसे यहाँ पर कोई विकल्प है बी और सी दोनों दिया है आपका सही, ऐसा नहीं है कि बी को भी भर दे और सी को भर दे, अगर बी सी दोनों मान लीजिए डी में लिखा है कि बी एंड सी, ठीक है, तब आप यहाँ पे भरेंगे डी को, ऐसे नहीं है कि बी और सी दोनों है तो बी को भी गोला कर दे और सी को भी गोला कर दे, ऐसे नहीं करना है आपको, जैसे बुकलेट नंबर आपने बी भर दिया है सीरीज तो यहाँ पे भर दीजिएगा, माने यहाँ पर गलती मत करिएगा, जो भी आपकी बुकलेट हो उसे इस तरह से ही फील करिएगा, कोई भी गलती ना करिएगा, ठीक है, उसे मोड़िएगा नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है आपका सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, और अगर आपने इलेनी विद दुर्गेश का प्रैक्टिस सेट लिया होगा तो उसमें ये ओएमआर सेट जरूर मिला होगा, इसीलिए ओएमआर सेट आपको मिलता है ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, ये ओएमआर अभी भी आपको इलेनी विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर, अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो सर्च करिएगा दुर्गेश, जैसे ही दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर ई-लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी ओएमआर जो है आपको मिल जाएगी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बबल करके कर लीजिएगा, वहां पे गलती मत करिएगा। सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, परीक्षा हाल के बाहर आने के बाद अगर आपने ये फोन किया कि सर मेरा बबल गलत हो गया, सर मैंने बुकलेट नंबर गलत भर दिया, सर मैंने लैंग्वेज नहीं भरा, सर मेरा कॉपी में जल्दी जल्दी भरने में मेरा कोकोला 30 से गड़बड़ा गया, जैसे कुछ लोग होते हैं 10 प्रश्न एक साथ गोला करते हैं, हो सकता है गलती से 3 का ये कर दिए और फिर गोला करना शुरू किए, पूरी सीरीज गलत हो जाएगी, ऐसा काम मत करिएगा। ऐसे बहुत सारे भर्ती 69 शिक्षक भर्ती जिनके लिए जीवन की सबसे बड़ी भर्ती थी, जैसे वो जैसे बीटीसी किया, जैसे मैं 15 बैच का था, तो जो 15 बैच के थे उन्होंने क्या किया, तुरंत टेट पास किए और सुपर टेट में उन्होंने गलती कर दिया, आप वो बताइए 2 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो भी हो गए होते, और उनको आता हुआ प्रश्न उनकी ओएमआर नहीं जची, तो ये गलती मत करिएगा। ये एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग करके आपकी मेहनत में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि यही आपकी वास्तविक मेहनत है परीक्षा हाल के अंदर, तो आप कोई गलती तो नहीं करेंगे ना,
ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा, सभी तक पहुंचा दीजिएगा, और अगर आपके आसपास जो होंगे उनकी भी मदद कर दीजिएगा, उनको समझा दीजिएगा कि ओएमआर शीट भरने में कोई गलती ना करे। और जो भी कहीं दिक्कत होगी अपने कच्छ निरीक्षक से बात करिएगा, अन्य होगी वहां पे कॉलेज प्रशासन होगा, माननीय गवर्नमेंट प्रशासन है, पीएनपी है, क्योंकि पूरी तरह से माननीय सरकार भी चाहती है परीक्षा आपके लिए बेहतर तरह से हो, आपकी पूरी मदद की जाए। किसी भी अफवाह के चक्कर में मत आइएगा, कोई भी अफवाह नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा करना है वैसा, कुछ भी नहीं। जो आपको निर्देश माननीय सरकार की तरफ से, माननीय पीएनपी की तरफ से, विद्यालय की तरफ से प्रवेश पत्र में दिया गया है और बुकलेट में भी सब कुछ लिखा गया होगा कि अगर आपको कैसे कैसे प्रश्न है, 1 से 30 तक सीडीपी है, फिर 31 से 60 तक ये विषय है, 61 से 90 ये है, 91 से 120 ये है, 150, 121, 150 मैंने पूरा अलग अलग दिया है, उसमें किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं होगी। बुकलेट को पढ़ लीजिएगा, नकारात्मक अंक नहीं है, प्रश्न को मत छोड़िएगा। कुछ लोग कहेंगे अरे सर कैसे कह दिए, तुक्का मारने के लिए, ऐसे बकलोलों के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि वो खुद तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको भी नहीं करने देंगे। अगर मान लीजिए किसी को पर्यावरण में 30 में 29 प्रश्न आ रहे हैं तो क्या करेगा, एक प्रश्न छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना, तुक्का तो लगाएगा ना, तो वो काम आप जरूर करिएगा। मूर्खों के चक्कर मत आइएगा कि मान लीजिए आपको 23 प्रश्न आ रहा है मैथ में, 30 में मैथ में 23 आ रहा है, तो आप साथ छोड़ दीजिएगा, ये मत करिएगा। हो सकता है जिस विकल्प का आपने चयन किया वो सही हो जाए, हो सकता है आप 88 पे अटके थे और आपने इसी सही करने की वजह से आपके 5 अंक बढ़ गए और आप कितने पहुंच गए, 93 पर पहुंच गए, तो पास हो गए ना। अब उन बकलोलों के चक्कर पड़ेंगे तो आप तो फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, आपने मेहनत पूरा किया है, तो इन बातों को भी ध्यान देना जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करके कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। और टेलीग्राम पर आपकी बुकलेट प्रैक्टिस सेट हमने उपलब्ध करा दिया है, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफी मददगार होगी। सुपर टेट के भी नोट्स उपलब्ध हैं, उसके लिए भी आप लोग चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, यहाँ पे नंबर दिया गया है। ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती हैं आप सभी के लिए, और एज ए गेस्ट के रूप में मैं अपने बचे हुए समय से आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी को इस परीक्षा में जाने से पहले मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इलनी बी दुर्गेश तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विषय का चयन कैसे करना है वो मैंने बता दिया, जो भी करना है वो एमआर में दिया गया। अब ये मत करिएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर प्रश्न नंबर गलत है, इसका उत्तर ये नहीं होगा। अब ये मत करिएगा कि इस ओएमआर में आपके लिए, जैसे मान लीजिए 123 में प्रश्न गलत है, चारों विकल्प गलत है, इसका मतलब ये मत करिएगा इसको छोड़कर बगल में कोई ई विकल्प लगा दे, ऐसा भी कतई मत करिएगा। आपको अगर विकल्प गलत है, दो विकल्प सही है, तो अगर आपने प्रश्न को अटेंड किया है तभी अगर पीएनपी नंबर देती है तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है अगर आपने क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया है तो कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलेगा, तो ये काम मत करेगा। कुछ लोग कह रहे सर ये कौन सी बात आपने बता दी, तो ऐसे हैं बहुत सारे नमूने हैं जो कल मैंने वीडियो बनाकर डाली थी, पीछे वीडियो, उसमें इस तरह के नमूने आपको मिल जाते हैं। तो सारी बातों को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, डरिएगा नहीं। ओएमआर से 5 मिनट देरी हो जाए आपको, लेकिन भरिएगा इसे आराम से, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा, रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि हमने पूरा पढ़ाया है। और बाकी जो इलेनी पे दुर्गेश पे जो सारे टीचर थे उन्होंने पूरा समय से सिलेबस पूरा कर दिया है, सब कुछ समाप्त हो गया, नोट्स में सब कुछ है, बस आपको बेहतर करना है। नोट से आपको 70% से 80% तक प्रश्न आपको नोट से आपको मिल जाएंगे। फिलहाल कितना भी आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, लेकिन 110 सवाल तो आपके सिलेबस में ही होंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही परीक्षा में आएगा। और अगर गणित से आपको डर लग रहा है तो गणित अंत में सॉल्व करिएगा, जो सेक्शन आपको आ रहे हैं उनको पहले करिएगा और जो बच्चे उनको बाद में करिएगा, उनको छोड़िएगा मत, ये नहीं क्वेश्चन छोड़ दें, आराम से करिएगा, समय को ध्यान में देकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू आप सभी का, पुनः बेस्ट ऑफ लक, और भगवान ने चाहा और आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा तो आपको चयन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मतलब अगर ये नहीं है कि अगर कोई चाहे तो आपको रोक लेगा, जी नहीं, यहाँ पे मैंने सारी बातें बता दी हैं। एक बार आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है, कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप किस जिले से, आपका सेंटर कहाँ पे, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, बाय बाय, जय हिंद और जय भारत आप सभी का, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बाय बाय, जय हिंद। ये ओएमआर शीट है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये ओएमआर शीट टेलीग्राम पर है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम पर मैंने बताया सर्च क्या करना है, दुर्गेश, बिना स्पेस दिए टेलीग्राम पर सर्च करना है दुर्गेश। फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश, वहां पे भी मैं डाल दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इलनी विद दुर्गेश, कोई गलती मत करिएगा। ठीक है,
यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी दिया गया है, घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लासेस हमेशा की तरह निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में होती है, क्योंकि कर हर हर मैदान फतेह। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी की मदद करिएगा। कर भला तो हो भला, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है।